शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, दिग्गी भी पछताया था मामा भी पछताएगा, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। बात बात है बहुत की लड़ाई अब तो है सीधी सुनवाई, बहुत की लड़ाई सीधी सुनवाई, बहुत की लड़ाई अब तो है सीधी सुनवाई, बहुत की लड़ाई अब तो है सीधी सुनवाई, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम, दिग्गी भी पछताया था मामा भी पछताएगा, दिग्गी भी पछताया था मामा भी पछताएगा, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अभी करो अर्जेंट करो हमको परमाने, थोड़ी देर से चर्चा करेंगे और हम चाहते हैं कि इसका वाचन किया जाए, मैडम जी आप हमारे प्रशासन तक हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, मैडम हमारी फरियाद सुनने वाले आपके अलावा कौन है मैडम, हम लोग इस प्रकार से ज्ञापन पढ़ के सुनाओ, श्रीमान कलेक्टर महोदय जी खंडवा, विषय अतिथि शिक्षक की लंबित मांगों को पूर्ण करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन, महोदय जी उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि विगत 12 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के 52 जिलों में अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों द्वारा समय समय पर आवेदन निवेदन ज्ञापन देते देते थक चुके हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमें 8 माह कार्य कराकर प्रतिवर्ष बाहर कर देते हैं और प्रतिवर्ष नई नियुक्ति कर देते हैं, इससे अतिथि शिक्षक का भविष्य अंधकारमय हो गया है तथा इस परिस्थिति में अतिथि शिक्षक पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गया है तथा परिवार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान में कोरोना COVID-19 का मानदेय मई जून जुलाई अगस्त से सितंबर तक का मानदेय अप्राप्त है, कृपया हमें मानदेय दिलवाने का कष्ट करें और अतिथि शिक्षक के नियमितकरण हेतु हमारे गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेकर रोजगार प्रदान करने की कृपा करें, यही निवेदन है, उपचुनाव के पूर्व अतिथि शिक्षक को नीति निर्धारण कर नियमितकरण की कृपा करें, धन्यवाद।